तो भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक। अब जो मनी हाइस्ट का जो मेन स्टोरी है, जिसमें मनी हाइस्ट होता है मिंट के अंदर जाके नोट छापना, चोरी करना, 4 ट्रिलियन जो भी मतलब पैसे होते हैं, वो कोरिया वाले जो मनी हाइस्ट है उसका मेन स्टोरी लाइन वही है जो ओरिजिनल मनी हाइस्ट का था। बट इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जो इनके अलग अलग इकोनॉमी है वो जॉइंट हो जा रहे हैं, इसलिए जॉइंट इकोनॉमी है। और इसीलिए इस सीजन का नाम हो गया है मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमी, जहां पर देश में काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। काफ़ी लोग पैसा बनाने के चक्कर में थे, काफ़ी लोग लूट रहे थे, काफ़ी लोगों को नौकरियां मिल रही है, रिफ्यूजीज को हेल्प मिल रही है, बहुत गरीब से बहुत गरीब होते जा रहे हैं लोग, फ्रस्ट्रेट पागल है, जहां तहां कुछ भी चल रहा है। देश दो देश जब एक होता है तो भाई साउथ कोरियंस नॉर्थ कोरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सच में। और इसी के बीच में प्रोफेसर निकल के आता है जो मनी हाइस्ट में मतलब बनाता है और मिंट के अंदर चोरी करने का प्लान बना रहा होता है। ठीक है, इसमें प्रोफेसर भी जो है ना, जो ओरिजिनल मनी हाइस्ट में प्रोफेसर था, यस, उसने 2 महीने से कैफे में जाके चाय पिया। इसमें मनी हाइस्ट में, ये कोरिया वाला मनी हाइस्ट में, खुद प्रोफेसर ही कैफे रन करता है 2 महीने से। ठीक है, बहुत सारे स्टोरीज में चेंजेस, जैसे कि जो भी टोक्यो का स्टोरी था, बैक स्टोरी, उसको पूरा चेंज किया गया है। बर्लिन का स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगा, कोरिया वाला मनी हाइस्ट में। उसके बाद डेनवर का भी काफ़ी अलग रोल, वो भी स्ट्रीट फाइटर रहता है। हेलसिंकी, ओस्लो, नैरोबी, सारे कैरेक्टर्स को अपना अलग बैक स्टोरी मिला है, जिसके चलते ये देखने में मजा आता है। और जिस तरह से मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक स्टार्ट होता है ना, कि ये एक स्टोरी बताता है हमें 2025 की, जब कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिलके एक हो जाते हैं, एक कोरिया बन जाते हैं, तब के बाद का क्या है, देश का क्या हाल है, देश कैसे कैसे उठ रहा है, कितने लोग क्या कमा रहे पैसे, कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है, कितने लोगों को और सपोर्ट मिल रहा है, कितने लोग और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं, जिसके चलते हैं मैं समझता हूँ ये एकदम सही फैक्टर में इस बनाया गया मनी हाइस्ट को। और उसी भागम भागी और भीड़ में जो है कुछ चोर ने यानी कि कुछ प्रोफेसर्स और कुछ चोरी करने का अच्छा प्लान बताया है, और यही समय सबसे सही समझा है, क्योंकि एक नया करेंसी का इजाद हुआ है। यस, एक नया इकोनॉमिक आया तो एक नया करेंसी बन रहा है जो दोनों देशों में चलेगा, यानी कि अब वो तो एक देश बन चुका है तो एक करेंसी बन रहा है। और वही नोट्स को जो है 4 ट्रिलियन वॉन चोरी करने हैं, और स्टोरी एग्जैक्टली वही है, और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली मैच तो होता है स्क्रीन प्ले से, बट फिर भी कोरिया अगर इस चीज़ को कर रहा है भाई तो बहुत ही अच्छे लेवल पे एकदम नीट एंड क्लीन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ये कॉपी वर्जन भी मुझे देख काफ़ी अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन पर सुपर स्मैश कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।